नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश की, यानी मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी और ताजा खबर है। 12 जुलाई से 19 जुलाई तक टोटल लॉकडाउन किया गया है और उसके आदेश भी जारी किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले के किस क्षेत्र में यह लॉकडाउन किया गया है। तो दोस्तों, भोपाल का एक इलाका 12 से 19 जुलाई तक लॉकडाउन कलेक्टर के आदेश। भोपाल कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री अविनाश लावनीविया ने क्षेत्र की जनता की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हनुमानगंज क्षेत्र के इब्राहिमगंज क्षेत्र में रविवार 12 जुलाई से 19 जुलाई तक लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इब्राहिमगंज क्षेत्र में 12 जुलाई सुबह 5 बजे से 19 जुलाई रविवार रात्रि 10 बजे तक क्षेत्र की सीमाएं सील रहेंगी। किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल आपातकाल को छोड़कर दुकानें और संस्थान बंद रहेंगे। बैरिकेटिंग कर क्षेत्र की सीमाओं को बंद रखा जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर ने निर्देश जारी कर इब्राहिमगंज क्षेत्र की सीमाएँ संबंधित SDM और नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्धारित की जाएगी। मेडिकल आपातकाल और शव यात्रा को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नगर निगम के द्वारा की जाएगी। कलेक्टर श्री लवानविया ने बताया कि इस क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोविड संक्रमण और मास्क नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने, बिना काम के सार्वजनिक जगहों पर घूमने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे क्षेत्र की जनता को संक्रमण से बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, आप भी अपने क्षेत्र में सुरक्षित रहें, नहीं तो ऐसे हालत बनेंगे तो आपको भी टोटल लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है आपके क्षेत्र में। दोस्तों, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार लिखें और आगे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे इसलिए आप चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस करके वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।